अंकुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। तारकीन वतन महंगाई के हाथों कनाडा छोड़ने पर मजबूर। साल 2023 के पहले 6 माह में 42,000 अफराद ने कनाडा छोड़ा। हुकाम ने सूरत हाल को बाइस तशवीश करार दे दिया। कैनेडियन वजीर आजम की सऊदी अरब, तुर्किया और फलस्तीन के वज़राए खारजा से मुलाकात। वज़राए खारजा का गजा में संगीन इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। गजा पहुँचने वाली इमदाद का दायरा कार वसी करने पर भी तबादला ख्याल। कैनेडियन खुफिया एजेंसी में जिनसी हिरासानी का वाकया। CSIS के सरबराह ने अमले से माफ़ी मांग ली। CSIS सरबराह का कहना था कि नामुनासिब रवैये के किसी भी इल्ज़ाम को बहुत संजीदगी से लिया जाता है। चीनी लहसुन अमरीका की कौमी सलामती के लिए खतरा। अमरीकी सैनेटर रिक स्कॉट का चीनी लहसुन से मुतालिक तहकीकात का मुतालबा। रिक स्कॉट का कहना है कि चीन में लहसुन उगाने के तरीके गैर महफूज हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. महदूद आमदनी और ज़्यादा अखराजात के सबब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से रोज़गार और तालीम के लिए कनाडा आने वाले तारकीन वतन अब उसे छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। महदूद आमदनी और ज़्यादा अखराजात के सबब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से रोज़गार और तालीम के लिए कनाडा आने वाले तारकीन वतन अब इसे छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए कनाडा पसंदीदा मुल्क रहा है, लेकिन महंगाई और रहायशी किराए में इजाफे के बाइस ज़्यादा से ज़्यादा तारकीन वतन दूसरे ममालिक का रुख करने पर मजबूर हो रहे हैं। हुकूमती अदादोशुमार के मुताबिक इमिग्रेशन की वजह से कनाडा की आबादी गुज़िश्ता 60 सालों में पहली मरतबा इतनी तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन अब यह तादाद कम होती दिखाई दे रही है। सरकारी डेटा के मुताबिक साल 2023 के पहले 6 माह में 42,000 अफराद ने कनाडा छोड़ा, जबकि साल 2022 में 93,818 और 2021 में 85,927 अफराद ने दीगर ममालिक का रुख किया। इसी अरसे में 2,62,000 तारकीन कनाडा में दाखिल हुए, अगरचे कनाडा छोड़ने वालों की तादाद वहां आने वालों के मुकाबले में मामूली है, लेकिन हुकाम के लिए ये बाइस तशवीश जरूर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के लिए आबादी में कमी और बढ़ती हुई उम्र के मसले से निमटने का वाहिद हल इमिग्रेशन रहा है, जिससे मौशी तरक्की भी मुमकिन हुई है। कनाडा छोड़ने वालों की बढ़ती हुई तादाद जस्टिन ट्रूडो की पॉलिसी पर असरअंदाज हो सकती है, जिसके तहत सिर्फ 8 सालों में रिकॉर्ड 2.5 लाख अफराद को मुस्तकिल रेजिडेंसी दी गई। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह जस्टिन ट्रूडो ने हाउसिंग मार्केट पर दबाव कम करने के लिए साल 2025 के बाद से नए रिहायशों की सालाना तादाद 5 लाख तक महदूद कर दी है। फलस्तीनी अथॉरिटी, सऊदी अरब और तुर्की के वज़राए खारजा के एक ग्रुप ने ऑटावा में वज़ीर खारजा मेलानी जूली और वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से इसराइल और हमास जंग पर तबादला ख्याल किया। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। फलस्तीनी अथॉरिटी, सऊदी अरब और तुर्की के वज़राए खारजा के एक ग्रुप ने ऑटावा में वज़ीर खारजा मेलानी जूली और वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से इसराइल और हमास जंग पर तबादला ख्याल किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात में रहनुमाओं ने गजा में संगीन इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और गजा में पहुंचने वाली इमदाद का दायरा कार वसी करने पर भी तबादला ख्याल किया। इस मौके पर जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि कनाडा गजा में फौरी जंगबंदी चाहता है, बातचीत के तहत इस तनाजे का फौरी हल करना चाहिए। 7 अक्टूबर को हमास के अस्करियत पसंदों की तरफ से
इसराइल में एक महलिक हंगामा आराई शुरू करने के बाद खामोशी से मंसूबा बंदी की गई। मीटिंग में उन तरीकों पर तवज्जो मरकूज की गई जिनसे मुमालिक फलस्तीनियों और इसराइलियों के लिए अमन को महफूज बनाने की कोशिशों में मदद कर सकते हैं। जूली ने इस वक्त की मेजबानी की जो खुद को अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराही इजलास कहता है। इस ग्रुप में आमतौर पर उर्दन शामिल होता है। हालांकि मिलानी जूली के दफ्तर का कहना है कि मुल्क को अपने वजीर खारजा को दूसरे कारोबार पर भेजने की जरूरत है। ये ग्रुप इसराइल के साथ मुश्तरका अमन मंसूबा नहीं है और उसका कहना है कि उसके रहनुमाओं का मकसद हमास के हमले के जवाब में गजा पर इसराइल की बमबारी के बाद अरब और मुस्लिम आवाम की जानिब से बात करना है। मिलानी जूली के दफ्तर ने कहा कि वज़रा ने खुद इरादियत इंसानी हकूक और फलस्तीनियों और इसराइलियों के लिए यकसां सलामती पर जोर देने के साथ जामा और देरपा अमन के लिए सियासी राहों पर तबादला ख्याल किया। वज़रा ने फलस्तीनी सरजमीन में बहुत ज्यादा इंसानी इमदाद की इजाज़त देने की जरूरत पर भी बात की। वफ़द ने वाशिंगटन के सफर के बाद कनाडा का दौरा किया। इस ग्रुप ने अक़्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के 5 अरकान और यूरोपीय यूनियन की सदारत के हामिल स्पेन से मुलाकात की। वज़रा का ग्रुप इससे कबल चीन, फ्रांस, रूस, बरतानिया और अमरीका के अलावा स्पेन के दारुल हुकूमतों का दौरा कर चुका है। कनाडा का दौरा करने वाली वजारती कमेटी ने गजा में फौजी कशीदगी को फौरी तौर पर रोकने और देरपा अमन के मकसद के साथ सियासी अमल को आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। मिलानी जूली ने कहा है कि तनाजे के खात्मे के लिए इसराइल और हमास के दरमियान मुजाकरात की जरूरत है। हालांकि कनाडा ने फौरी जंगबंदी के मुतालबे में बास यूरोपीय ममालिक की पैरवी नहीं की है। कैनेडियन खुफिया एजेंसी के सरबराह ने एजेंसी के ब्रिटिश कोलंबिया दफ्तर में रेप और हिरासा करने के इल्जाम के जवाब पर अमले से मुआफ़ी मांगी है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा के जासूस सरबराह ने एजेंसी के ब्रिटिश कोलंबिया दफ्तर में रेप और हिरासा करने के इल्जाम के जवाब पर अमले से मुआफ़ी मांगी है। एक टाउन हॉल में डेविड विग्नॉल्ट ने कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के अमले को हिरासा करने के खिलाफ नए इकदाम के बारे में बताया जिसे उन्होंने गैर मामूली लम्हा करार दिया। उन्होंने कहा कि शिकायत में मुलविस अफसर जिनकी तफसीलात गुज़िश्ता हफ्ते तहकीकात में मंजर आम पर लाई गई थी सोमवार तक एजेंसी के पास मुलाजिम नहीं है। डेविड वैगनॉल्ट ने कहा उन्होंने बगैर किसी खौफ या इंतकाम के काम की जगह के मसाइल से निमटने के लिए महतसिब के दफ्तर की फौरी तश्कील का हुक्म दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि एजेंसी इदारे में हिरासा किए जाने और गलत कामों के बारे में सालाना आवामी रिपोर्ट्स जारी करेगी। ये इकदाम मीडिया रिपोर्ट के बाद सामने आया है जिसमें ब्रिटिश कोलम्बिया में निगरानी यूनिट में जिनसे हिरासानी का इंकशाफ किया गया। एक अफसर ने बताया कि 2019 और 2020 में मिशनों पर निगरानी करने वाली गाड़ियों में रहते हुए एक सीनियर साथी ने उसके साथ 9 बार ज्यादती की। एक दूसरे अफसर ने कहा कि बाद में इस आदमी के जरिए उसके साथ जिंसी ज्यादती की गई जिसके बारे में ये कहा गया था कि उसे नौजवान खवातीन के साथ शराकत नहीं करनी चाहिए। CSIS चीफ ने एक ट्रांसक्रिप्ट में कहा कि बहुत से लोगों से मैंने ज़ाती तौर पर बात की है और मुझे मौसूल होने वाले तबादले के जरिए भी उन्होंने कहा कि वो गुज़िश्ता हफ्ते मीडिया में आने वाली मालूमात से परेशान हो गए थे और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। उन्होंने कहा कि वो परेशान हैं कि CSIS में किसी को भी जिंसी तशद्दुद का सामना करना पड़ा है और परेशान हैं अगर किसी को यकीन है कि इल्जामात पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। गुज़िश्ता हफ्ते के बयान में विग्नॉल्ट ने कहा कि नामुनासिब रवैये के किसी भी इल्ज़ाम को बहुत संजीदगी से लिया जाता है। अमरीकी सैनेटर रिक स्कॉट ने चीन से दरामद होने वाले लहसुन को अमरीका की कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया है जबकि इस हवाले से तहकीकात का भी मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सैनेटर रिक स्कॉट ने चीन से दरामद होने वाले लहसुन को अमरीका की कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया है जबकि इस हवाले से तहकीकात का भी मुतालबा किया है। बैनुल अक्वामी खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रिपब्लिकन सैनेटर रिक स्कॉट ने अमरीकी वजीर तजारत को खत लिखकर चीनी लहसुन के गैर महफूज होने से मुतालिक तहफ़ुज़ात का इजहार करते हुए मामले की तहकीकात का भी मुतालबा किया। अमरीकी सैनेटर रिक स्कॉट का अपने खत में चीनी लहसुन उगाने के तरीकों पर सवाल उठाते हुए कहना था कि चीन दुनिया भर में लहसुन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और अमेरिका इसका सबसे बड़ा खरीदार है। उनका कहना था कि ये बात अमेरिका में सेहत आमा के मसाइल पैदा कर सकती है। बैरून ममालिक खसूसन कम्युनिस्ट चीन में लहसुन उगाने के तरीके गैर महफूज हैं। अमरीकी सैनेटर रिक स्कॉट ने मजीद लिखा कि फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी एक अहम मसला है, इसलिए ये मामला हमारी कौमी सलामती, पब्लिक हेल्थ और माशी खुशहाली के लिए खतरा है। अमरीकी वजारत तजारत से मुतालबा करते हुए उनका कहना था कि चीन से दरामद होने वाली लहसुन के मयार और उसके अमरीकियों की सेहत पर मुरतब होने वाले मनफी असरात से मुतालिक तहकीकात होनी चाहिए। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।